जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों पर समझौता हुआ। 32 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट। झारखंड में बीजेपी और आजसू साथ में लड़ेंगी चुनाव, गठबंधन पर सहमति बनी। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने अमित शाह से आज की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में टिकट्स को लेकर घमासान, बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा, कांग्रेस से आए लोगों को टिकट देने पर आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर के लिए अब नई लिस्ट जारी करेगी बीजेपी, अमित शाह के घर चल रही बैठक में हुआ बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने पहले चरण के 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया, बाकी 2 चरण की लिस्ट वापस ली। निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का टिकट काटा था। कार्यकर्ताओं के हंगामे पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा मैं खुद कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, सभी कार्यकर्ता भाई हैं, हमारे लिए राष्ट्र पहले फिर पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी, 1 सितंबर से शुरू होगा आपका विधायक आपके द्वार अभियान। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान पर विवाद, कांग्रेस के नेता सुप्रिया सुनेत ने पूछे सवाल, कहा कंगना कान पकड़कर माफी मांगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, कहा कंगना को गंभीरता से नहीं लेता, उनकी उम्र से ज्यादा वक्त से राजनीति में। हरियाणा के जींद में किसान संगठन और खाप ने फूका कंगना का पुतला, चुनाव प्रचार में हरियाणा में ना घुसने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बांग्लादेश जैसी गलती यहां नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा योगी मुसलमानों को बना रहे हैं निशाना, नफरती बयान दे रहे हैं योगी, खुद करते हैं बांटने की बात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की अखिलेश यादव निंदा की, कहा जिम्मेदार लोगों को काम भय फैलाना नहीं। कोलकाता रेप मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ, डॉक्टर घोष के ठिकानों से कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त। 10वें दिन सीजीओ कॉम्प्लेक्स में संदीप घोष, आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन। सीबीआई ऑफिस पहुंचे फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर देवाशीष सोम, पुलिस ने कल देवाशीष के घर पर छापेमारी की थी, देवाशीष से हो सकते हैं कई सवाल। कोलकाता केस को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा बीजेपी सीपीएम कांग्रेस सब एक हैं, बंगाल में अशांति फैलाने के लिए रामवाम एक हो रहे हैं। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस ने 3 और लोगों को आरोपी बनाया, महिला और बाल कल्याण विभाग एमएचए को भेजेगा रिपोर्ट। बदलापुर यौन उत्पीड़न के मामले में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बड़ा दावा, कहा स्कूल से गायब मिला घटना के दिन से 15 दिनों का फुटेज, गृह मंत्रालय को सौंपेंगे रिपोर्ट। बदलापुर की घटना के बाद अलर्ट मोड पर महाराष्ट्र सरकार, स्कूलों के वॉशरूम क्लासरूम में लगाया जाएगा पैनिक बटन, लोकल पुलिस स्टेशन में रहेगा पैनिक बटन का कंट्रोल। जातीय जनगणना पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा उम्मीद है जातीय जनगणना होगी, डेटा सामने आएगा, बीजेपी ने नहीं किया पिछड़ों दलितों आदिवासियों का सम्मान। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन फिर दिल्ली आए, एबीपी न्यूज से बोले जल्द बताऊंगा नई रणनीति, असम के सीएम हेमंता ने कहा चाहता हूं चंपाई सोरेन बीजेपी में आए। महाराष्ट्र के संभाजीनगर पहुंचे आदित्य ठाकरे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर शुरू की नारेबाजी, बीजेपी उद्धव गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, पुलिस ने शांत कराया मामला। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, जो यहां का खाता है कहीं और की बजाता है ये नहीं चलेगा। लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए जाएंगे 5 नए जिले, गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। कांग्रेस ने जारी किया राहुल गांधी का कश्मीरी लड़कियों के साथ बातचीत का वीडियो, कश्मीर की लड़कियों से वीडियो कॉल कर प्रियंका गांधी की भी बात करवाई। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, राज्य के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में अहम मीटिंग। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने, हिंदू संगठनों ने गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को दिया अल्टीमेटम, युवाओं ने बंद कराया बाजार। काशी विश्वनाथ में शुरू होगी नई परंपरा, काशी विश्वनाथ की मंगला आरती में लड्डू गोपाल शामिल होंगे, कल से होने वाली मंगला आरती को बाबा के गर्भगृह में विराजे लड्डू गोपाल निहारेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, हजारों करोड़ के घोटाले की जांच अभी तक ईडी और एसीबी कर रही थी।
पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया, अस्पताल के निर्माणाधीन भवन के कामकाज का निरीक्षण किया। हैदराबाद में सरकार का बुलडोजर का एक्शन, 3 महीने में 44 एकड़ जमीन पर चला बुलडोजर, 18 अवैध निर्माण ध्वस्त, हाई प्रोफाइल लोगों के भी कई अवैध निर्माण शामिल। यूपी के नोएडा में पेइंग गेस्ट हाउस में अचानक लगी भीषण आग, पेइंग गेस्ट हाउस में अचानक से आग लगी, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम की सीताराम ऑयल कंपनी में अचानक आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली एम्स में पहली बार जूनियर ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन, आयोजन का मकसद देश के भविष्य को सुरक्षित रखना। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार, गुजरात के कई जिलों में मची तबाही, महाराष्ट्र में भी सैलाब का सितम, उफान पर नदियां। अहमदाबाद के नारायणपुर इलाके में जोरदार बरसात, सड़कों पर भरा कई फीट पानी, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, जलभराव से बढ़ी लोगों की समस्या। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद भोपाल के कलियासोत बांध के 2 गेट खोलने पड़े, लगातार तेज बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा था। वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में भरा पानी, पानी में डूबे 2 टावर, लोगों की गाड़ियां, घर, दुकान सब चौपट, सुरक्षित जगह पर लोगों को भेजा गया। अहमदाबाद में भारी बारिश ने कई इलाके जलमग्न किए, अहमदाबाद की सड़कों पर नाव चलती नजर आई, स्थानीय लोगों ने सड़कों पर नाव चलाई। गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर, लगभग हर जिले में तेज बारिश से हाहाकार, गुजरात सरकार ने कल सभी प्राइमरी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया। अजमेर में मूसलाधार बारिश से अलग अलग इलाकों में भरा पानी, अजमेर जिले में हर 2 घंटों में अलग अलग इलाकों में बरसात से जगह जगह जलभराव की परेशानी। महाराष्ट्र में तेज बरसात का कहर, भूसावल इलाके में कई इमारतों में आई दरार, देखते ही देखते 2 मंजिला मकान जमींदोज हुआ, मकान ढहने से पहले परिवार ने खाली कर दिया था घर। बांसवाड़ा में बारिश के चलते सुरवानिया डैम का बढ़ा जलस्तर, कागदी डैम के खोले गए 4 गेट, लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर। गुजरात के मोरबी में ट्रैक्टर समेत 10 लोग पानी में बह गए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को रेस्क्यू किया, अब भी कई लापता। महाराष्ट्र के नासिक में भी तेज बरसात का असर, 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से गोदावरी नदी ओवरफ्लो, नदी के पास बने मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गए। उज्जैन की शिप्रा नदी में भी 3रे दिन बाढ़, घाट और मंदिर सब पानी में डूबे नजर आए, बैरिकेडिंग भी जलमग्न, लोगों को हो रही है दिक्कत।